भाजपा स्टार कैंपेनर एवं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी ने हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह दावा किया है कि भाजपा ने प्रदेश में 50 प्लस का लक्ष्य रखा है, परंतु जो परिवर्तन की लहर प्रदेश में चली है उसे देखते हुए लगता है कि भाजपा 60 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। हिमाचल की सड़कों पर चलने पर गाड़ियां खटर पटर करती हैं। इसी खटर पटर को दूर करने के लिए जनता सड़कों वाले मुख्यमंत्री को वोट देगी, भाजपा को वोट करेगी। मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में पहले भी विकास के आयाम स्थापित किए थे और आने वाले समय में प्रदेश को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि धूमल जहां होते हैं वहां विकास होता है और अब सुजानपुर से धूमल चुनाव लड़ रहे हैं तो सुजानपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएंगी। सुजानपुर में विकास की गंगा बहाई जाएगी। हम बोलते हैं तो लोग हमारे पार्टी में भी कहते हैं कि मनोज तुम इतना मत बोला करो। अब जितना हम लोग कहते हैं जनता उससे ज्यादा देती है। हमने दिल्ली के चुनाव में हम लोगों ने 272 में 150 का लक्ष्य रखा, लोग 181 दे दिए। उत्तर प्रदेश में हमने 300 का लक्ष्य रखा तो 325 दे दिए। तो मुझे लगता है कि अपने मैं तो सोच रहा हूं कि हिमाचल में 50 क्या बहुत ज्यादा लोग देंगे, लेकिन ठीक है, आप सबसे बात करने के लिए हम भी एक टारगेट मानते हैं कि हमें 50 प्लस ही मिलेंगे तो 50 प्लस में 65 भी हो सकते। मनोज तिवारी ने पत्रकारों के जीएसटी के सवाल पर कहा कि व्यापारियों को उन्होंने पास से समझा है, वास्तव में जीएसटी को सभी लोग अच्छा मानते हैं, समस्या है तो बस जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया में व्यापारियों में परेशानी हुई है। केंद्र सरकार ने व्यापारियों की समस्या को समझते हुए इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए उपाय भी किए हैं। चुनाव बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं किया भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ चुनाव में कुछ करने के लिए बदल ले फिर चुनाव के बाद खुद बदल जाए, ऐसा हम नहीं करते। हमारी लगातार कोशिश है कि जिस प्रकार जितना समय मिला है कांग्रेस को इस देश को ठीक करने के लिए, अगर उसका चौथा हिस्सा भी मिल गया भारतीय जनता पार्टी को तो इस देश की जो स्थिति होगी दुनिया हमारे पीछे होगा। हमने कहा ना कि कुछ चीजें बहुत कुछ परेशानियां बहुत कम देर की मेहमान है और वो जनता को जो तकलीफ दे है उसका निदान कैसे हो, हम उस पर लगातार लगे हुए हैं और सत्यता के साथ स्वीकार कर कह रहे हैं कि हम इसका निदान निकाल कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश की छवि पूरे देश में शांति प्रिय देवभूमि की थी, सब लोग हिमाचल आना पसंद करते थे, लेकिन विगत 5 वर्षों में जो तस्वीर प्रदेश के बाहर लोगों ने हिमाचल की जानी है वो अच्छी नहीं है। प्रदेश भ्रष्टाचार, माफिया राज, नशा और अपराध के कारण कलंकित हुआ है। प्रदेश में आने से बाहर के लोग डरते हैं और इस सब के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। इस अवसर पर अंकुश दत्त शर्मा, जग सिंह ठाकुर, अभिषेक मनु, अनिल सोनी, सुनील ठाकुर आदि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उन लोगों ने दिल्ली को लगभग 5-6 साल पीछे कर दिया है और हम लगातार जो बात उनके लिए कह रहे थे, सरकार होनी चाहिए जो संविधान के अनुसार चले, सरकार होनी चाहिए जो सबको समान दृष्टि से देखे। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अपना टिप्पणी करना पड़ा जिस स्टेट में हमें जहां आम आदमी पार्टी है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि सरकार संविधान के अनुसार चलने की नीयत नहीं दिखा रही है, मैं समझता हूं इसके ऊपर तो सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए कहे संविधान के अनुसार चलने की नीयत नहीं रखती, तो मैं समझता हूं एक उसको जीवन दान ही दिया गया है कल भी, और इसी बात को हम लोग बार बार उठाते हैं।